एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना के केसेस जून और जुलाई में पीक पे होंगे, क्या लॉकडाउन का फायदा मिला या नहीं मिला? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद डॉक्टर गुलेरिया। डॉक्टर साहब, कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं कमी दिख नहीं रही है क्या, और क्या कब खत्म होगा ये मामला जाकर के, और पीक पे कब होगा? देखो, ये समझना जरूरी है कि कोरोना के केसेस तो काफी देर तक आएंगे, ये ऐसा नहीं है कि एकदम बीमारी खत्म हो जाएगी। वी विल हैव टू लिव विद कोरोना, लेकिन ये भी सही है कि हमें कोशिश करनी है कि आस्ता आस्ता केसेस कम हो और जो हॉटस्पॉट्स हैं उसमें इतने ज़्यादा केसेस ना हो। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं और जो मॉडलिंग डेटा आ रहा है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि जो हमने लॉकडाउन किया है उससे जो रैपिड स्पाइक था वो नहीं हुआ है। वी हैव टाइम टू प्रिपेयर एज फार एज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर कंसर्न, बट केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो इससे लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि जितना लॉकडाउन किया गया? नहीं, लॉकडाउन को बहुत फ़ायदा मिला है। एक तो अगर आप देखो और देशों के हिसाब से हमारे यहाँ इतने ज़्यादा केसेस नहीं हुए, इतने दिन हमें मिले हैं, ऑलमोस्ट 6 हफ्ते मिल गए, जिससे हॉस्पिटल कोविड फैसिलिटीज़ बन गई हैं, लोगों की ट्रेनिंग हो गई है, वेंटिलेटर्स आ गए हैं, हमारे जहाँ टेस्ट कम हो रहे थे वो एकदम बढ़ गए हैं। एक समय था जो हमारे टेस्ट जो हैं वो 1000 के करीब हो रहे थे, अब हम 80,000 टेस्ट कर रहे हैं, कुछ दिनों में हम 100,000 1,00,000 कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें लॉकडाउन के कारण ही हो पाई। तो डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, आगे क्या होगा? जून और जुलाई आप कह रहे हैं पीक पे होगा, तो थमेगा कहाँ जाके सिलसिला और कैसे थमेगा? तो अगर आप सारा ग्लोबल डेटा देखें तो एक दफ़ा जब पीक होता है तो उसके बाद आस्ता आस्ता प्लेटू होके केसेस कम होने लगते हैं। न्यूयॉर्क में भी अब कम हो गए हैं, इटली स्पेन में भी कम होने लगे, तो हमारा भी आस्ता आस्ता जो है केसेस जो है उसके बाद अगले कुछ हफ्तों में कम होने शुरू। कितना लंबा चलने वाला है कोरोना का पीरियड? ये तो प्रेडिक्शन कहना बड़ा मुश्किल है, ये तो आगे ही जैसे जैसे केसेस का हमें आइडिया होगा और कैसे कैसे कम हो गए तो हम कह पाएंगे।